नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेमो क्लास कब तक चलेगी। आज आपकी अंतिम क्लास होगी, ठीक है? तो आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक का बीजगणित से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसको हम लगा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। तो ठीक है, अब देखिए, जो लोग चाहते हैं कि बीजगणित का चौथा भाग नहीं आया, जो हम लोग पढ़ रहे थे चर अचर का गुणनफल योगफल, उसमें 6 भाग हुआ है टोटल, जो कि आपका 4 भाग आपने देख लिया होगा। 3 भाग आपका प्राइवेट में यानी कि पेड में है, तो जिन लोगों ने पेड किया था उन लोगों को वो भाग सभी मिल चुके हैं, ठीक है, जो जो लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे एक और डेमो क्लास जो कि त्रिभुज से संबंधित होगी। आप जानते हैं डेमो में उतना कुछ नहीं होता है जितना मेन क्लास में होता है, तो आप लोग मेन क्लास ज्वाइन करें, पहले डेमो क्लास देख लें, उसके बाद इस नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है, इसके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या तथ्य होते हैं, ये अगर आपको मालूम है तो चाहे आपकी हाई स्कूल की परीक्षा है, चाहे इंटरमीडिएट की है, यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड, मतलब कि कोई भी परीक्षा है, आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण और फायदेमंद होगा। देखिए, त्रिभुज ही आपके सामने दिख रहा है जिसे इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। इसकी अगर परिभाषा देखें, डेफिनेशन, तो क्या होगा, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखाने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का यानी कि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि त्रिभुज के जो तीनों अंता कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। कैसे, ये पहला कोण है अंता कोण, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीनों का कोण 180 अंश होता है योग जोड़ने पर। अगर आपको ये भुजा दी गई है, ये कोण सॉरी 40 दिया गया है, और ये आपको कितना दिया गया, 90 दिया गया है, एक 40 है एक 90 है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं सिंपल में कितना होगा, कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, एक दिया है 90, एक दिया 40, 90 40 कितना हो गया, 130। हम जानते हैं कि तीनों का योग 180 अंश होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 अंश। मान रख दीजिए, बी वाले का मान नहीं दिया, ए का मान दिया है 40, अब बी का मान नहीं दिया तो कोण बी वैसे लिख देंगे, फिर क्या है, कोण सी जो जो दिया है उसको रख देना है फटाफट, कोण सी का मान 90 है बराबर क्या है, 180, जोड़ दीजिए। देखिए ये 4040 लिखा है, 90 को इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा कोण बी प्लस 130 बराबर 180, इस तरह से आपका कोण बी आ जाएगा 180 माइनस 130 बराबर कितना आ गया, 50 अंश। यानी अगर हमें किसी त्रिभुज का दो कोण मालूम है तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं, बात समझ में आई ना, ऐसे आपकी परीक्षा में सवाल आ जाएंगे कि किसी त्रिभुज का कोण ए 45 है, कोण बी 75 है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा तथ्य देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इन बातों को आप लोग अगर नहीं समझ रहे तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। इस क्लास में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इस क्लास को विस्तृत देखने के लिए आप क्लास ज्वाइन करें, और कल से आपकी कोई डेमो क्लास अब नहीं होगी। आप लोगों ने लगभग 1350 डेमो क्लास देख लिया, 2017 से लेकर 18 तक पूरे 1 साल हो गए, ठीक है। अगला ये हो गया पहला, त्रिभुज के प्रत्येक अंता कोण 60 अंश के होते हैं। प्रत्येक अंता कोण कितने के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, यानी कि ये कुल मिला के इसके अंदर में कोण होते कितना है, 3 कोण होते हैं भाई, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा से ये आकृति बनती है, तो यानी ये भी 60, अगर बराबर बोले तो ये भी 60 और ये भी क्या है 60, यानी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 60 के माने जाते हैं। और वाई कोण कितने के होते हैं, 120 के होते हैं। वाई कोण क्या होता है, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया और इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, मतलब ये त्रिभुज के बाहर कोण बन रहा है, कौन सा, ये बड़ा वाला, ये हमेशा कितने का होता है, 120 का होता है, यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोण कितने के होते हैं, 120 के होते हैं। अब अगर बात आई कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग तो कितना होगा, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग 360 होगा, कैसे, 1200, 120 120 तीन बार जोड़ दीजिए, तो 120 120 तीन बार जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 ही तो होगा ना, 360 होगा ना, ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें और समझ रहे ना। अब आगे देखिए, देखिए
त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण जानते हैं, जैसे हमने ये मान लीजिए एक, देखिए सभी तत्वों को याद रखिएगा, त्रिभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है? अंतःकोण का योग, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या फिर तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। बाह्यकोण का योग 360 होता है, बाह्यकोण का योग, ये अंतःकोण का 180। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, जैसे आयत में विकर्ण होता है ना, ये आयत है ना, आयत, इसमें ये विकर्ण होता है ना, होता है, इसमें कोई विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है। अगर विकर्ण खींचेंगे तो दो त्रिभुज हो जाएगा, फिर बात समझ रहे हैं। त्रिभुज को आप एक बहुभुज भी बोल सकते हैं या फिर चतुर्भुज तो होगा नहीं क्योंकि चार भुजा है नहीं, बात समझ रहे हैं। अगला देखिए, ये जितने तथ्य थे हो गए ना, इसमें हम आपको कुछ और जानकारी बता दें तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपने देख लिया ये महत्वपूर्ण बातें, अब हम आपको एक सवाल दिखा रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। एक त्रिभुज के दो अंतःकोण क्रम से 45 डिग्री व 70 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण कितना होगा? सभी लोग समझ गए होंगे कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना होगा? 45 डिग्री होगा ना। कैसे? देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर जो हमें करना है उसको क्या जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 होता है। देखिए अभी हम हटेंगे तो अच्छा दिखेगा, लाइट बहुत कम है, ये लाइट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप लोग डेमो क्लास में ये देखिएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं, वीडियो की क्वालिटी तो हम क्षण भर में चेंज कर देंगे, अच्छा आपको दिखेगा, लाइट लग जाएगी, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप लोग समझाने का तरीका और पॉइंट को समझिएगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। भाई मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है जो दिया गया है, ये मान लेते हैं कुछ भी दिया गया है, और इसका जो दो कोण है, एक 65 है मान लेते हैं ये 65 है, एक आपका 70 है मान लेते हैं ये क्या है 70 है, सी वाला नहीं दिया है, कुछ भी मान लें, चाहे इसको चाहे उसको, कोई भी दो मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180। मान रख दीजिए ए का मान 65, बी का मान 70, और सी का मान नहीं दिया है, तो ये हो गया 180। जोड़ दीजिए 135 प्लस सी बराबर 180। ध्यान से समझिएगा, देखिए हमने क्या क्या किया भाई, ये दोनों जोड़ा तो 135 हुआ, ये प्लस का सी ऐसे लिख लिया, और फिर बराबर 180 था, अब सी बराबर 180 ऐसे उतार लिया, 135 इधर जाएगा, ये घट जाएगा, और जब आप 135 इसमें से घटाएंगे तो 45 ही तो आएगा ना, 5 5 10 4 3 7 1 8 180 है ना, कितना आया 45 आएगा ना, तो ये हो गया आपका उत्तर। इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आपको एक सवाल और दिखा देते हैं। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, जो चीज नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करेंगे। देखिए कुछ समस्या की वजह से हम आपको लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं, ये आपका जो है फर्स्ट प्राइमरिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग लेकिन कमेंट करेंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आपको लाइव का भी डेमो दिखा देंगे, वैसे तो हमने दिखाया था, आप लोगों ने देखा भी रहा होगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज के दो बाह्यकोण 135 अंश व 90 अंश हैं, तो तीसरा बाह्यकोण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाह्यकोण की बात हो रही, अंतःकोण की नहीं, यानी कि ये त्रिभुज हमारा ऐसा होगा, ऐसे हमारा कोई त्रिभुज होगा, तो बाह्यकोण कहां बनेगा? जो इधर निकलता है ये बाह्यकोण है, और इधर ये निकला तो ये क्या है बाह्यकोण है, इधर ये निकला तो क्या है ये बाह्यकोण है, मतलब दो बाह्यकोण है, 135 है मान लेते हैं ये वाला, और ये मान लेते हैं कितना 190 है, तो आपको ये निकालना है एक वाला, बात समझ रहे ना। तीसरा बाह्यकोण, हम जानते हैं कि तीनों बाह्यकोण का योग कितना होता है 360 होता है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 360, बाह्यकोण का योग 360। मान रख दीजिए, मान लेते हैं इसको ए, ये बी और ये सी, तो ए का मान दिया है 190, बी का मान दिया है 135, सी का मान नहीं दिया, कोण सी का मान, कोण सी बराबर ये 360। ध्यान दीजिएगा, ये चित्र इधर कर देते हैं भाई, यहां से हटा देते हैं, जगह नहीं ना,
समझ में आया? ये हो गया कितना? 360। जोड़ दीजिए, इसको जब जोड़ेंगे ये 90 है, सॉरी कितना है, यहाँ 90 ही था ना, 90 ही था, जोड़ेंगे तो 125 प्लस कोण सी बराबर ये कितना हो जाएगा 360। तो कोण सी बराबर 360 पहले से है, ये उधर जाएगा तो 360 माइनस 125 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग में 235 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही। बात समझ में आई? अगर आप लोगों को ये सभी जानकारियां समझ में आ रही हैं, इसके अलावा आपने हमारी लाइव क्लास भी देखा रहा होगा, लाइव क्लास में हम आप लोगों के नाम लेकर के बोलते हैं और आप लोगों के नाम के साथ आपका सलूशन करते हैं। आप लोग लाइव में कमेंट करेंगे, हम आपको तुरंत आपकी जानकारी देंगे। आप लोग ये लाइव क्लास आज शाम को 6 बजे देख चुके होंगे और सुबह भी आपकी 6 बजे क्लास होती है, दिन में आपकी क्लासें कई बार होती हैं, आप लोग उन्हें देखें और समझें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अगर क्लास करना है तो ज्वाइन लिख करके भेजना है और एक मामूली सा पेमेंट करके आपको सारी क्लासें पढ़ना है। एक ऐसा कोर्स जीरो लेवल से उठना है, जीरो लेवल से उठना है और हीरो बनना है, समझ रहे ना? हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, आप लोग सीखें। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, 24 घंटे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग फोन कॉल करना चाहते हैं वो लोग नंबर नोट कर लें, ये नंबर है 78-438-33-999, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। सुबह की क्लास देखना ना भूलिएगा। अब कल से आप लोगों की जो भी पेड क्लासे हैं सभी स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया उनको 26 से ही क्लासें मिल रही हैं। अगर आपने पेमेंट किया आपको क्लास नहीं मिल रही है तो आप संपर्क करिएगा, हम और हमारी टीम आपके लिए सदैव तत्पर है और हमारी कोशिश आपके लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन क्लास उपलब्ध हो। PVR स्टडी को कृपया अपने मित्रों में, रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों को दिखाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।